ओवर द अंडे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसी कप के साथ मैश करके हम 5 कप दूध भी इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह सब्जियां सारी शामिल करने के बाद इसका ये इतना प्यारा सा लुक आ गया। ये देखें जी चूल्हे पे मैंने रख लिया जी, आंच में थोड़ी सी ना मीडियम सी रख, 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो अभी हम इसके साइड पर रखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह कितना जबरदस्त पक गया जी पिज्ज़ा पराठा एक साइड से, अभी हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आवाज रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज स्टार्ट हो रहा सफाई से, असल में बच्चे मिले मैंने सारे, तो सारा दिन ये सेम इतना रफ लगता है ना, बच्चे इधर उधर कभी बाथरूम में कभी ये कुछ चला कभी ये चला, पानी भी गिरा होता है, तो जिसकी वजह से ना सारा दिन आजकल ना यही कुछ होता रहता है हमारे घर में। टपड़ी लगाई नहीं जाती क्योंकि बाहर से मट्टी लेके आते हैं पैरों में, पैरों के साथ, तो मट्टी में फिर बैठ के टपड़ी लगाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, इसलिए फिर मैं इसको धोती रहती हूँ सारा दिन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के जी पिज्जा पराठा, असल में बच्चों के लिए बना रही थी, बच्चे आए हुए तो मैंने कहा वो देखते हैं हमारी वीडियो, तो कहते हैं हाला हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम हमारा बड़ा दिल कर रहा होता है हम भी खाएं, तो मैंने कहा चले इनको भी खिलाते हैं आज, तो फिर मैंने कहा कि चले अपने बहन भाइयों से भी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें जो कहती है, एक ने अगले तो इतना प्यार से कमेंट किया, कहती हैं कि आप ही आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो मुझे इतनी आदत हो गई है जब तक आपका व्लॉग ना देख लूं मुझे नींद नहीं आती, तो इतना मोहब्बत भरा ये कॉमेंट था। तो आप यकीन करें मेरी सब प्यारी बहनों के लिए ये मेरा मैसेज है कि मुझे भी तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट नहीं पढ़ लेती। जितनी भी टफ जॉब है मैं उसमें से टाइम निकाल के तो आपके साथ मुलाकात का जरिया बना ही देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अपना किचन लगा लेते हैं क्योंकि लकड़ियाँ हमें अभी भी नहीं मिली, इसलिए हम उस किचन में नहीं बैठते, हम बाहर ही अपना बोरिया बिस्तर लगा लेते हैं ताकि बच्चे मेरे पास सारे पूरे आ जाए। अच्छा जी यहाँ पे मेरे पास है मैदा और चीज़ें मैं आपको गिनवा देती हूँ, आज मैं आ चुकी रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे मेरे पास दड़ा मिर्च है, नमक है, यीस्ट है, थोड़ी सी मैंने चुटकी सी रेड मिर्चों का पाउडर भी लिया है और ये है चीनी, इसकी मकदार कुछ यूँ है जी, जो सुरह मिर्ची हैं वो हैं तकरीबन 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, यीस्ट भी 1 चम्मच और ये तो 1 चुटकी है सुरह मिर्ची, और चीनी जो है वो 2 चम्मच। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी मैदा सबसे पहले, और मैंने 2 कप रखे हैं सेम, एक के साथ मैं दूध डालूंगी और एक के साथ मैं मैदे की पुमाइश करने लगी, क्योंकि हमने सेम ही रखना है, जितने कप मैदा होगा उतने कप ही हमारा इसमें दूध इस्तेमाल होगा। ये देखें जी बिस्मिल्लाह करके, एक मैंने पहले कोई नहीं पुमाइश की, बहरहाल मेरा 1/2 किलो से ज़्यादा मैदा, ये 2, 3, 5.5 कप हो गया हमारा, ये 1/2 किलो से ज़्यादा था, ये वाला जो नॉर्मल सा कप आम हम घर में यूज़ करते हैं ना, ये 5.5 कप हमारा हो गया। अभी ये सारी चीज़ें जी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह का सामान। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी 2 अंडे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसी कप के साथ मैश करके हम 5 कप दूध भी इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अभी जी मैंने 4 कप इसमें पहले दूध डाला था, तो अभी 1.5 कप दूध बाकी है, मैंने कहा पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ फिर उसके बाद बाकी का भी शामिल। मैं दूध तो ऐसे ही डाल के ले थी लेकिन इत्तेफाक से बिल्कुल पूरा दूध आ गया जी हमारा, ये देखें जी इस तरह से हमने इसको बना लेना है। अभी हम इसको ना कवर करके रख लेते हैं, अगर तो गर्मियां हो ना तो रूम टेम्परेचर पे भी हम रख सकते हैं, नहीं तो इसको अभी टाइम भी मेरे पास कम है, तो मैं ना इसको किचन में चूल्हा जलाया हुआ तो चूल्हे के पास रख के आने लगी, क्योंकि शाम का खाना भी हमारा साथ साथ बन रहा है आपके साथ, तो सिर्फ मैं ये वाली
रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिए जी बंद गोभी का एक छोटा सा मैंने फूल लिया था मीडियम सा, उसको मैंने इस तरह से काट लिया बारीक बारीक सा, वो मैं डालने लगी हूँ बाउल के अंदर। और इसके अंदर ये मैंने पानी गर्म करवा के रखा है, यह गर्म पानी है, वो मैंने इसके अंदर डाल देना, इसको डिप करके रख देना ताकि गोभी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये जी गर्म पानी है, बिल्कुल ठीक ठाक गर्म है। अभी मैं चूल्हे से उतार के लाई हूँ, तो इसको ना हमने 10 मिनट के लिए डिप करके रखना है। 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे, जबकि ये हमने आधा घंटा रखना है। ये हैं जी बाकी की चीज़ें वेजिटेबल्स, इनको अभी हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से, जब तक हमारी वो जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है, क्योंकि यीस्ट ने थोड़ा सा वो राइज करना होता है मैदे को। तो यहाँ पे लिए जी हमने गाजरें और ये जो आलू हैं इनको हमने क्रश करना है, और बाकी की चीज़ों की हमने कटिंग करनी है। इनको मैं क्रश करूंगी, और चिकन मैंने अंदर बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इकबाल साहब गए हुए नमाज पढ़ने के लिए, तो अभी चूल्हा हमारा बाहर नहीं आया, ये उन्होंने रख के देना होता है। ये देखें जी बबल से बनना शुरू हो गया, और यही हमें चाहिए थे, हमने ना 35 से 40 मिनट दिए इनको। तो बाकी सारी चीज़ें भी हमने तैयार कर ली, ये आलू क्रश करके रखे हैं, गाजरे हैं, ये चिकन इसको हमने उबाल कर तो इसकी रेसिपी बना ली है। यहाँ पे मैंने जी 2-3 टमाटर के इस तरह से ये कतले काट लिए हैं, और शिमला मिर्चों की भी मैंने कटिंग करके रख ली है। और यहाँ मैंने लिए हैं जी सुरख मिर्ची और सब्ज मिर्ची, जो हरी वाली ताज़ा सुरख मिर्ची होती है ना, ये वो वाली है। और ये है जी चीज़, तो अभी हम इन सब को इसके अंदर मिक्स करेंगे। और ये है जनाब वो जो बंद गोभी मैंने गर्म पानी में डिप करके रखी थी, सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते क्योंकि पानी तो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने निकाला नहीं इसको ना 10 मिनट के बाद, मैंने कहा चलो पानी ठंडा हो ही गया, तो खैर वैसे भी इतनी ज़्यादा नरम हमें चाहिए थी उतनी ही है। इसमें ये देखें जी माशाल्लाह सब्जियां सारी शामिल करने के बाद इसका ये इतना प्यारा सा लुक आ गया, ये देखें जी। अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी चीज, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं मेहमानों के लिए, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई किसी किस्म की कमी रह जाए। वैसे मेरे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल उनको भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने लिया जी एक फ्राई पैन नॉन स्टिक, और इसके अंदर ब्रश मेरा आपको समझ आ ही गई होगी, ये हमने पार्लर से लिया जी, नया ब्रश पड़ा हुआ था तो हमने इसके इस्तेमाल के लिए लिया है, ब्लीच वाला ब्रश है जी, गुजारा मुजारा हो जाता है इसके साथ। तो ये मैं इधर लगा रही हूँ जी ऑयल अच्छी तरीके से, इसको ग्रीस कर रही हूँ। अच्छा जी अभी मैं इसमें लगाऊंगी टमाटर, छोटे साइज का है इसलिए उस हिसाब से मैं इसमें टमाटर लगाऊंगी। शिमला मिर्च, ये देखें जी चूल्हे पे मैंने रख लिया जी, आँच में थोड़ी सी ना मीडियम सी रखूंगी, ज्यादा नहीं रखनी फिलहाल। बहुत ज्यादा मोटी लेयर हमने नहीं लगानी है, क्योंकि मैदा जो है वो कच्चा है, सब्जियां भी कच्ची हैं अंदर, आलू भी और गाजरें भी, तो अगर लेयर मोटी लग गई तो फिर अच्छे तरीके से कुक नहीं होंगी। अब इनको अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। अभी हम जी इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, और हमने इसको 2-2.5 मिनट के लिए पकने देना है। इसमें भी मैंने लगा लिया जी कुकिंग ऑयल,
क्योंकि अभी मैंने इसकी साइड पलटनी है पिज्जा पराठा की, तो फिर इसके साथ चिपकेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाली साइड इसकी कच्ची हो जो इसमें आएगी प्लेट में। दो से ढाई मिनट हो गए हैं जी, तो अभी हम ये देखिए जी माशाल्लाह इस तरह से हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे से अच्छे से पक गया और इसको हम पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह फाइनल लुक, एक टमाटर मेरा गिर गया अंदर से, उसे हम दोबारा रख लेते हैं जी। यहाँ से ये गिर गया था फ्राई पैन के अंदर। फ्राई पैन जी हमारे पास एक ही है, इसलिए ये एक एक करके बनेगी और एक एक बच्चे को करके खिलाना पड़ेगा। हमने आस पड़ोस से भी पता किया है लेकिन हमें नॉन स्टिक फ्राई पैन एक और नहीं मिला, वरना चूल्हा तो दूसरा भी था, हम उस पर भी कर सकते थे, काम जल्दी हो जाना था। चले जी है एक एक बच्चा करके खाएगा, अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से बच्चे को पहले दिया जाए। चले अल्लाह मदद करेगा, क्योंकि ये गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, अगर सारे एक साथ बना के बच्चों को देना शुरू किए तो फिर ठंडे हो जाएंगे और ओवन भी हमारा खराब हुआ। देखें जी पीछे से भी माशाल्लाह इतना अच्छा पक गया, वैसे तो हम वो साइड ही ऊपर रखेंगे लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी बैक साइड की है ताकि आप देख लें कि ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया। अभी हम तैयार करने लगे जी दूसरा पराठा। आपको पता है कि जब इस तरह की चीजें बन रही होती है तो फिर बच्चों की बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हुई हुई होती है, खास करते हमारे कैमरा मैन महक फातिमा की जो बर्दाश्त है ना वो बिल्कुल खत्म हुई होती है। मैं के हाथ भी हिलने लग जाते हैं, फिर आपको नजर आ रहा होगा, आप फील कर रहे होंगे ना कि कैमरा हिलता है। बिस्मिल्लाह, ये देखे जी माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा पिज्जा पराठा तैयार हो गया। 3 मिनट हो गए जिसको पकते हुए, तो अभी हम इसकी साइड पर डुकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अभी हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। चलो जाए देखें जी माशाल्लाह, तो अभी हम आपको काट के इसकी अंदर से भी दिखा देते हैं कि इसकी क्या शक्ल है। अवैध सदर क्योंकि आके बैठ गया तो इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे जी। ये देखेंगे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लुक के अंदर से, और कितना आपको महसूस हो रहा है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और कितना जबरदस्त पराठा बनने वाला। पहले इनको दे आपकी आपी को, साथ वाली आपी इसकी ट्यूशन टीचर है तो पहले उनका बनता है ना, मैंने उनसे कहा था शोर ना करवाएं बच्चों को, तो हम आपको देंगे पहले आपी को दें। शाबाश, गुड बाय। चलो ठीक है जी, फिर बाकी की हम बनाते रहेंगे, शाम होने वाली है, अभी अजान शुरू हो जाएगी, तो इसके साथ ही आप हमें इजाजत मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अपडेट बढ़ा करो आपकी।